तहसील दिवस में हमारी वर्किंग कंपोर्ट दो भाइयों की दोनों की स्वीकृत है। 2 साल हो गए मैंने CDO श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से अप्लीकेशन दिया, BDO को आदेश हुआ। BDO लोग सुनते हैं या नहीं सुनते, किसी किसान का काम नहीं होता। DO साहब मौजूद थे, आपकी बात को बहुत गौर से ले रहे हैं और उसको मुझे उम्मीद है कि ये है जिला कृषि अधिकारी साहब, ये रेट परसेंटेज ऑफ रेट है आपका? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खिलाड़े प्रोग्राम देते हैं, अगर किसानों तक नहीं पहुँचता है फिर हम जैसे अधिकारी में पटेल क्या मतलब। और मैं उस अधिकारी से भी नहीं हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, और जैसे ही मालूम पड़ेगा कि आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है मैं अवश्य साफ करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो ये आपने बताई कंपोस्ट पिट वाली, इसको आप वीडियो जो हमारे सभी वीडियो को सर जानकारी है और सभी ग्राम प्रधानों के माध्यम से करना, ये अपने ग्राम प्रधान से मिले उन्हीं को बनाना प्रोजेक्ट। आप लोग कितने गाँव से यहाँ पे आए, आप अपने गाँव में जा करके अपने प्रधान को बोले, अपने प्रधान को बोल देंगे, आपकी जानकारी ही हमारे प्रदेश के हमारे देश की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ होगा। आपकी जितनी जानकारी बढ़ेगी उतने चीजें हमको सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी, जितने अधिक जाएगा उतना सफलता मिलेगी। तो इसमें आप इसलिए बोल रहा हूं कि जहां जहां आपके अधिकार की बात हो, जहां आपके राइट्स की बात हो, वो आप शांत मत रहिए। आप जरूर चाहे अपने गांव में आपके पंचायत के लोग होंगे, चाहे आपके ग्राम प्रधान होंगे, उनसे बात करने के बाद जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, और जो भी तौर ज्ञान विज्ञान के तौर तरीके हैं हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो जरूर आप। देने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी किसानों का थोड़ा झुका होना चाहिए ताकि हमारी जो मिट्टी है वो स्वस्थ रह सके, हमारा वातावरण स्वस्थ रह सके। किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता है, कारण क्या है? जबकि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस बारे में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नई तकनीक से कृषि को और बढ़ावा मिल सके। पहले बैलों से होती थी, आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बोने से लेकर जोतने से लेकर काटने तक और जुताई तक का। इस कड़ी में अभी हाल ही में जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने FPO का ऊपर जो काफ़ी तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जो पहले एक FPO बनाने के लिए 1000 किसान होते थे, उन्होंने बाद में 500 किया और अब 300 कर दिया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी भी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि हमारे किसान सिर्फ किसान न रहें, किसान कैसे एक उद्यमी बन सके, कैसे एक व्यवसायी बन सके, कैसे किसान एक रोज़गार पैदा कर सके, ऐसा सोच हमारे प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है। इस सिलसिले में कई चीज़ें कई ऐसे स्कीम्स हैं राज्य स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी लागू किया गया है। जैसे हमने बताया अभी कि मंडी शुल्क जो कि बहुत जो हमारे किसान लेके आते थे अपना उत्पाद लेके जाते थे मंडी में तो उसको शुल्क लगता था, वो शुल्क उन्होंने माफ़ कर दिया, तो कितने किसानों का फायदा हो गया। ऐसे ही FPO बनाने की बात हुई है, जो FPO के ऊपर जोर दिया जा रहा है, कस्टम हायरिंग की बात हो रही है, ऐसे तमाम प्रोग्राम हैं और इस प्रोग्राम को चलाने के लिए उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जाना चाहिए किसानों के पास, इसमें हमारे सभी अधिकारी लगे हुए हैं।